चले खैर आगे देखते हैं इसको। अब ये काफी बेहतर है ये। एक तरीका इसमें यह है कि अगर किसी चीज को और गहराई से समझना हो उसके लिए उस्ताद का जो दिया हुआ हर्फ है उसके हिसाब से कत का कलम का कत बना करके उस पर आप हल्के से इशारे से चला करके देखें, आप जरा सा ऊपर रख करके उसको, ताकि आपको उस्ताद के बनाए हुए ये जो भी असातिज़ा हैं, इस तरह से ये होता है कि लफ्ज़ ब लफ्ज़ सीखने का आसानी से मौका मिल जाता है। मैं जो गलती कर रहा हूँ यहाँ पर कर रहा हूँ, और थोड़ा सा यहाँ पर, और बिलखसूस यहाँ पर। अब इसको जो है वो दोबारा मैं बिल्कुल इस तरह से उस लफ्ज़ पे हाथ चलाएं कि जैसे वो लफ्ज़ आप लिख रहे हैं, ताकि आपको समझ आए। अभी देखें काफ़ी बेहतर हो गया ये हिस्सा और ये हिस्सा और पहले ये बहुत झुक रहा था, अब ये इसके बिल्कुल इसका कद और इसका तनासुब से बिल्कुल सही आया है। अब हम आगे लेंगे शीन रिशर। शीन रिशर को पहले हल्का सा ये जगह इसकी जो है वो बहुत काबिल गौर है, अगर हम इसको हल्का सा नीचे कर दें बहुत ज़्यादा तो भी गलत हो जाता है। बाज़ औक़ात इसको बनाते वक्त हम बिल्कुल बराबर इसके बिल्कुल बराबर रखते हैं तो वो भी गलत हो जाता है। ये जगह पीछे की नोक उठने के बाद फिर हम जो है इसको बनाते हैं।
ये सीन का ये हिस्सा बहुत नाजुक होता है, ये जरा सा भी मोटा ना होने पाए। ये जो हिस्सा है इसके लिए हम यहाँ पर ये पहले हम कट रखेंगे और इससे ये जो है बनाना हमारे लिए आसान है। अच्छा जी, ये तकरीबन ठीक है। इसकी रे का जो है थोड़ा सा यहाँ से कमज़ोर है अभी, इसकी दोबारा मश करनी होगी मुझे। सीन का जो सर है तकरीबन वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक बना है, उसमें कोई इतना गड़बड़ नहीं हुई है, बस थोड़ा और बेहतर करने की ज़रूरत है इसको। ये जो हिस्सा है ना सीन का, ये जो हम बनाते हैं इसमें एक चीज़ का ध्यान रहे कि ये कलम यहाँ रहेगा, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ हटेगा, फिर ये उसी लाइन में नीचे से आकर के इस तरह से बनेगा। ये उमूमन इस हिस्से को सही तरह लोग नहीं बना पाते हैं और हम भी इसमें कमज़ोर हैं, तो इसीलिए इसकी बुनियादी वजह है कि बाज़ औक़ात ऐसे यूँ रख कर के कलम को ऐसे लेके आ जाते हैं। इससे क्या होता है कि ये हिस्सा सही नहीं बन पाता। तरीका इसमें यही है कि वहाँ कलम को रख कर के कद को हल्का सा पहले उल्टी उल्टी साइड पे हल्का सा घुमाते हुए वापस नीचे की तरफ उसी सीध में ला कर के यूँ घुमाए, इससे वो हिस्सा जो है बनेगा। मैंने हल्का सा यहाँ खिसकाया, अब मैं जब नीचे जाऊंगा तो जहां मैंने कट रखा था उसी की सीध में नीचे आऊंगा, बस यहाँ पर। देखिए ये जो है मोटा नहीं हुआ ज्यादा, ये हल्का सा रह गया। अच्छा, थोड़ी सी बेहतरी आई है मुनासिब सी। अच्छा, ये है मिन मन, इसमें जो जीम और मीम का बिल्कुल एक ही हिसाब किताब, मैंने पहले भी एक दफ़ा बताया था कि जैसे जीम को हम कद को ऐसे लगा करके फिर हम शुरू करते हैं, उसके बाद फिर उसी कद को थोड़ा सा घुमा करके पीछे ये हिस्सा जो हम बनाते हैं और फिर ला करके पूरा जो हम ये जीम जो हम बनाते हैं उसके बाद, यही चीज़ मीम के अंदर बनती है। कत रखा,